नेक्स्ट टॉपिक है लॉज ऑफ फ्रिक्शन एंड कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन। मैंने आपको एक लॉ तो बता दिया था एफ इजिकल टू म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन वाला, लेकिन एक्चुअल में लॉज लिखे कैसे गए हैं इसको समझते हैं। फ्रिक्शन के कुछ रूल्स हैं जो कभी खराब नहीं हो सकते और कभी भी वॉयलेट नहीं हुए, और साइंस की दुनिया में कोई अगर रूल वॉयलेट नहीं हुआ, हर कंडीशन में ट्रू रहा, तो वो लॉ बन जाता है। तो एक भी केस में फॉल्स नहीं हो सकता, और अगर फॉल्स रह गया वो हाइपोथेसिस हो जाएगा। तो ये लॉ है। तो इसके कुछ ऐसे रूल्स हैं जो गलत नहीं होंगे, और इसलिए रूल्स अलग अलग बनाए गए। स्टैटिक फ्रिक्शन के अलग बनाए गए क्योंकि बॉडी रेस्ट पे रहती है, उसकी वैल्यूज अलग हैं, और काइनेटिक फ्रिक्शन के रूल्स अलग बनाए गए क्योंकि बॉडी मोशन में रहती है, स्लाइड करती है, तो रूल्स अलग हैं। तो सबसे पहले हम लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन डिस्कस करते हैं। लिमिटिंग का मतलब मैक्सिमम स्टैटिक। लिमिटिंग का केस का मतलब क्या होता था? मैक्सिमम स्टैटिक। जैसे एक बॉडी को हिलाने के लिए कितनी न्यूटन की फोर्स चाहिए? 10 न्यूटन। उसके बाद वो स्लाइड हो जाएगी। तो 10 न्यूटन इज मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, या दूसरा नाम लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ मैक्सिमम इज म्यू एस इनटू नॉर्मल रिएक्शन जो हम करते हैं, इसके क्या रूल्स हैं? पहला रूल है, इसका पहला लॉ है, लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सर्फेसिज इन कॉन्टैक्ट एंड देयर स्टेट ऑफ पॉलिश। मतलब कोई भी लिमिटिंग फ्रिक्शन है, एक बॉडी को हिलाने के लिए मिनिमम फोर्स क्या चाहिए, ये फोर्स की वैल्यू सरफेस की रफनेस पे डिपेंड करती है या पॉलिश पे डिपेंड करती है। जितनी ज़्यादा रफनेस होगी, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। ठीक। नेक्स्ट रूल है, लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट्स टेंजेंशियल टू द टू सर्फेसिज इन कॉन्टैक्ट एंड इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। तो अगर मोशन ऑफ द बॉडी इधर है तो मैक्सिमम स्टैटिक पीछे होगी। स्टैटिक फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन के डायरेक्शन के रूल तो बराबर ही हैं, ये तो हमेशा मोशन को क्या करती हैं? अपोज ही करती हैं। नेक्स्ट है, वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया इन कॉन्टैक्ट सो लॉन्ग एज द नॉर्मल रिएक्शन रिमेन्स सेम। क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन। तुम अगर ये कहो कि सर मेरे पास तो प्लेट है, एक बहुत बड़ी कमरे जितनी प्लेट है, बहुत बड़ी प्लेट है, तो इसका तो एरिया बहुत बड़ा है, तुम इसे खींचोगे तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगी। मैंने कहा वो कैसे? आपने कहा सर एरिया ज़्यादा है ना तो बॉन्ड ज़्यादा बन जाएंगे। ना, आपकी जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो छोटे या बड़े एरियाज पे डिपेंड नहीं करती, वो डिपेंड करती है नॉर्मल रिएक्शन पे, और नॉर्मल रिएक्शन फर्दर वेट पे डिपेंड करता है। जितना दबेगा उतनी ही फ्रिक्शन ज़्यादा होगी। तो अगर तुम एक भारी अलमारी ले आओ, बहुत बड़ी भारी अलमारी है, उसको हिलाना मुश्किल है, और अगर तुम उससे भी बड़ी अलमारी ले आओ, खाली पड़ी है, उसको हिलाना आसान है, तो एरिया से कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा। ठीक, भारीपन से डिपेंड कर, नॉर्मल रिएक्शन पे चीजें डिपेंड करती है। स्विम का एग्जांपल नहीं चलेगा, ये लिक्विड फ्रिक्शन है, हम सॉलिड फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, बात ही खत्म। ना एयर फ्रिक्शन की बात करें, ना लिक्विड फ्रिक्शन की बात करें, जमीन के फ्रिक्शन है बस, बेंच जमीन, बुक जमीन बस। ठीक। नेक्स्ट है, लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ एस मैक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन आर बिटवीन द टू सर्फेसिस। तो मेरे ख्याल से क्लियर है कि जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है वो नॉर्मल रिएक्शन में डिपेंडेंट है, और रफनेस के लिए क्या लगेगा? म्यू एस। और ये फॉर्मूला हमने कर लिया था, एफ एस मैक्स इज इक्वल टू म्यू एस इनटू नॉर्मल रिएक्शन। तो ये लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, और म्यू एस को क्या बोलते हैं? कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्लियर है यहाँ तक? अब लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अब काइनेटिक फ्रिक्शन की क्या अजम्पशन है? कि बॉडी क्या करती जा रही है? स्लाइड करती जा रही है, रुकी नहीं हुई, अब बॉडी स्लाइड करेगी। पहला रूल है, काइनेटिक फ्रिक्शन अपोजिट रिलेटिव मोशन एंड हैज अ कांस्टेंट वैल्यू। भाई ये अपनी वैल्यू चेंज नहीं करती, तुम इसकी वेलोसिटी तेज करो या ना तेज करो, एक्सेलरेट करो, जो भी करो, अगर बॉडी मोशन में है तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू सेम ही रहेगी। पहला पॉइंट है, वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, ये भी एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पर डिपेंड नहीं करती। तीसरा रूल है, काइनेटिक फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती, प्रोवाइडेड वेलोसिटी इज नाइदर टू लार्ज नॉट टू स्मॉल। पता लगे यार तुम्हारी वेलोसिटी तो हो गई बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा चिंगारियाँ निकलती जा रही हैं, और प्लेट थी, प्लेट तो आधी रह गई, घिस गई पूरी, तो तुम फ्रिक्शन का कैलकुलेट करोगे, तुम्हारा तो वेट ही कम हो गया उसका, तो ज़्यादा तेज ना मूव करवा देना बॉडी को। पता लगे स्पीड ऑफ लाइट पे लगा रहे हो, नहीं चलेगी, तो बहुत तेज़ बचेगा ही कुछ नहीं,
तो हीटिंग इफेक्ट हो जाएगा, तो बहुत चीज़ें हो जाएंगी, तो बहुत तेज़ ना चलाना। तो बच्चा कहता है कोई बात नहीं तेज़ ना चला, स्लो तो चला लूँ। तो मैंने कहा देख स्लो भी ना चलाना। स्लो कहता कितनी, मैंने कहा इतना स्लो मत चलाना क्या तुम कहो सर, काइनेटिक फ्रिक्शन कैलकुलेट करो। अब भाई वो तो नियर अबाउट स्टैटिक ही हो गई ना, तुम उसके बॉन्ड तोड़ने की बारी क्या, तो बॉन्ड तो बने ही पड़े हैं उसके, थोड़ा सा तेज़ तो चलाओ, बॉन्ड ना बन पाए तब काइनेटिक सही तरीके से आंसर देगी। ये थोड़ी ना तुम खड़ी खड़ी बॉडी को 0.001 मीटर डिस्प्लेस कर दो और फिर तुम काइनेटिक कैलकुलेट करो, फिर नहीं होगी कैलकुलेट। तो वेलोसिटी बहुत छोटी या बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन आर। ये तो हमने किया हुआ है, एफ इज इक्वल टू म्यू टाइम्स आर, और यहाँ पर म्यू कोफिशेंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इसके अंदर मैंने बताया था जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है वो काइनेटिक से तो ज़्यादा ही होती है, और इसकी वैल्यू म्यू एस आर है, इसकी वैल्यू म्यू के आर है, आर से आर कैंसल, तो ये हमेशा यूनिवर्सल स्टेटमेंट है कि म्यू एस ग्रेटर देन म्यू के। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशेंट काइनेटिक से बड़ा ही होगा, ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस कर लिया था। कोई डाउट इसमें?